Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशी मुमताज टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। एक अंदाजे के मुताबिक 90 लाख लोग ऐसे हैं जिनको इमिजिएटली FBR टैक्स निज़ाम में ला सकती है, लेकिन FBR ने उनसे मुंह मोड़ा हुआ है और FBR टैक्स फाइलर जो 10 लाख हैं उन पे ही अपनी तवज्जो दी हुई है। कभी उनका ऑडिट करते हैं, कभी उनके लिए 122(5A) निकाल दिया जाता है, कभी उनकी मॉनिटरिंग ऑफ विथहोल्डिंग टैक्स होती है, कभी सेल टैक्स का ऑडिट होता है, और सारी एनर्जी सारी उनकी जो फोर्स है वो उन्हीं लोगों पे है जो के फाइलर्स हैं। हम अपने प्रोग्राम में बारह ही कह चुके हैं कि FBR को अपनी एनर्जी जो है उन लोगों पे लगानी चाहिए जो कि इस निज़ाम में नहीं शामिल हो रहे। जिनको उनको निज़ाम में शामिल करेंगे तो रेवेन्यू टारगेट्स भी मीट होंगे, और FBR मुसलसल इस बात से जिसे कहना चाहिए नफी करता जा रहा है, और वो नज़र आ रहा है कि उसके पहले 6 महीने के टारगेट्स नहीं मिल रहे थे, अब क्वार्टर के टारगेट्स नहीं मीट हो रहे, और इसी तरह मंथली टारगेट्स भी मीट नहीं हो रहे, और ग्रेजुअली ये जो है पोजीशन और वर्स से वर्स होती जा रही है। हमने आज बात करनी है कि FBR के टारगेट्स क्यों नहीं अचीव होते और इसलिए क्या अमल ऐसा लाया अमल अडॉप्ट किया जाए जिससे FBR के टारगेट्स अचीव किया जाए। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब हैदर पटेल साहब को, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची टैक्स बार के, ADRC की जो नई कमेटी आई है उसके मेंबर भी हैं, और FCA हैं, पार्टनर हैं EY चार्टर अकाउंटेंट्स के। उनसे बात करते हैं कि क्या असल मसला क्या है, क्यों नहीं FBR के टारगेट्स मीट हो रहे हैं। साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। शुक्रिया अनवर सर। आप भी इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और रोज आप भी ये बात करते हैं, तो आपके एक अंदाजे के मुताबिक क्या वजह क्या है, बेसिक फंडामेंटल रीजन क्या है जो FBR के टारगेट्स मीट नहीं हो रहे हैं, और ये हम पिछले कई सालों से ये चीज ग्रेजुअली मतलब वर्स से वर्स होती जा रही है। अनवर साहब, आप भी बिजनेस में भी हैं, आप प्रोफेशन में भी हैं, आप जब कोई गोल सेट करते हैं तो उसके पीछे एक आपकी एक स्टडी होती है कि आप किस तरह गोल अचीव करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे आप। मेरे ख्याल है जो पिछले कई सालों से हम जो देख रहे हैं FBR की, जो सबसे पहली बात है आपने बात की टारगेट की, तो सवाल ये टारगेट क्या है और उस टारगेट की बेसिस क्या है। बेसिस की बिल्कुल ठीक है ना, तो उस मैं जितना समझाऊँ, मैंने जितना क्लोजली इनको देखा है, तो कोई कॉन्क्रीट कोई ऐसा प्लान नहीं होता है कि जिसकी वजह से हम कहें कि जी इस तरह पहुंच जाएंगे। रादर एक यूँ समझ लें कि एक कागज़ के ऊपर एक नंबर गेम होता है कि जी इस वक्त कितना नंबर है, वहाँ हम रिवर्स वर्किंग करते हैं कि हमने यहाँ पहुँचना है। तो फिर वो ज़ाहिर है एक दफ़ा जैसे आप अपने भी कह दिया कि टैक्स पेयर तो गिनती बढ़ नहीं रही है, तो एक तरीका तो ये होता है अगर आपने अपना बिजनेस भी बढ़ाना है किसी ने, तो अपनी कस्टमर बेस बढ़ाता है। तो FBR अपनी कस्टमर बेस मुझे लगता है कि जैसे हमने शिकस्त मान ली है, FBR ने शिकस्त मान ली है कि नहीं ये बेस हम नहीं बढ़ा सकते, तो सबसे बड़ी वजह टारगेट ना मीट होने की यह है कि आपकी बेस नहीं बढ़ रही है। सही है, सबसे आसान तरीका है। और हम माशाल्लाह इस मुल्क में 20 करोड़ तो यानी कि नॉन फिगर है, सेंसस इस वक्त हो रहा है, पता नहीं रियल फिगर क्या आएगी, तो उस इस पॉपुलेशन के साथ अगर हम 10-12 लाख टैक्स पेयर की इस वक्त बात कर रहे हैं, आई थिंक अभी जो 2016 की इन्होंने फाइनल की है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, तो 12 लाख समथिंग टैक्स पेयर है उस पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनिशियली 10 लाख थे, कुछ बड़े हैं 12 लाख हो गए, तो ये तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब आटे में नमक बराबर भी नहीं है ये। नहीं, लेकिन क्या ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो FBR के जो लोग हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही क्या? आप क्योंकि रास्ते में भी रहते हैं और इनसे बातचीत होती रहती है, तो क्या क्या असल में आपको इनकी क्या इनको क्या प्रॉब्लम क्या है इस बात को एड्रेस करने में? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि लिप सर्विस की हद तक तो हम बहुत अच्छे हैं, सही है। बातें तो फोरम पे आप जाएं तो FBR के नुमाइंदों से भी बात करें, इवन गवर्नमेंट के नुमाइंदों से बात करें, यानी मिनिस्टर से भी बात करें, तो उनको ही पता है प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जो चीज़ जिसका बहुत बड़ा फुकदान है और जो हम बाहर के प्लेटफॉर्म से भी कहते रहे हैं कि इन्फोर्समेंट टूवर्ड्स ब्रिंगिंग न्यू टैक्स पेयर जो है वो लिटरली नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, बहुत कम हो गया है वो। और उससे मेरा मतलब ये है कि आप ये इंतज़ार ना करें कि टैक्स पेयर खुद आएगा, आप टैक्स पेयर के पास जाएं, आप बाज़ारों में जाएं, आप लोगों को रजिस्टर करें, आपने कितने साल हो गए, क्या कोई टैक्स ऑफिस ने किसी शहर का कोई सर्वे किया है? हमारी नॉलेज में तो नहीं आया आज तक कोई स्टडी। तो ये मेरे ख्याल में आपको टैक्स पेयर के पास जाना पड़ेगा, उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जो इस वक्त रजिस्टर्ड नहीं है। टेक्नोलॉजी में अब तो जियो मैपिंग हो सकती है, अब तो मतलब दुनिया बिल्कुल ही छोटी हो गई है, आप कमरे में बैठ के हर चीज कर सकते हैं, आप गूगल अर्थ पे चले जाएं, वहां से आपको सारे पता चल जाएंगे कितनी शॉप्स हैं।
कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये देखें कि आपके पास इस वक्त एनटीएन होल्डर फाइलर से कहीं ज्यादा है जी हाँ, जो कि नेशनल टैक्स नेट पे रजिस्टर्ड है जो कि फाइल नहीं कर रहा है। ये देखें, ये दो बातें बड़ी मुख्तलिफ है, हम अक्सर मिक्स कर जाते हैं कि ये एनटीएन होल्डर कितने हैं और फाइलर कितने हैं। इनमें मेरे ख्याल में कम से कम तीन गुना का फर्क है। लोगों ने गाड़ी खरीदी, उन्होंने एनटीएन ले लिया, जरूरत थी तो उन्होंने करा लिया एनटीएन। अब एनटीएन जब करा लिया लेकिन उसके बाद फाइलिंग में नहीं आए वो, तो कम से कम हम एनटीएन वालों को तो ले आए। और ये देखिए ना, अगर आप और हम बिजनेसेस को डील करते हैं तो चीजें शॉर्ट टर्म प्लान्स होती हैं और लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। अब शॉर्ट टर्म प्लान में आप उनको लें जो एनटीएन पे आपके पास है, उनको पहले एटलीस्ट आप अपने अपने उसमें नेट में लें, देन यू कैन गो फॉर अदर वन। लेकिन बात ये हो रही है कि जो सूरत हाल यहाँ नजर आ रही है उसमें ये है कि अब आपने ये कहा एनटीएन ले लेते हैं, वो तो एक जमाने में शुरू हुआ था कि हर एक के लिए एनटीएन चाहिए होता था। अब जो एक दूसरी बात शुरू हो गई है वो ये आ गई है, फाइलर के बाद हर आदमी मिलकर रिटर्न फाइल कर देता है एंड नोबडी इज आस्किंग कि यार भाई तुम गाड़ी ले रहे हो 20 लाख की 25 लाख की, तो तुम मिलकर रिटर्न कैसे फाइल करो? वो सिर्फ इसलिए कि वो फाइलर है उसके रेट को बचाने के लिए। तो ये भी कोई स्कीम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि भाई चेक करें कि जो रिटर्न आ रहे हैं उन पर क्या रिस्पॉन्स किया जा रहा है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये हो रहा है, अब रिसेंटली ज्यादा हो रहा है नॉन फाइलर के बाद जी, और रेट्स मुख्तलिफ होने के बाद लोग जो है इंक्लाइंड हो गए फाइल करने के, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, वो नील फाइल कर रहे हैं। और मुझे ये डर लग रहा है कि थोड़े दिन में ये स्टैटिस्टिक आएगी कि हमारे जो टैक्स फाइलर हैं उनमें नील के ज्यादा रिटर्न है और जो टैक्स पेयर हैं वो कम हो जाएंगे। मेरा ख्याल है अभी भी यही पोजीशन है, मे बी मैंने स्टैटिस्टिक यही पोजीशन है। अगर आप कुछ अर्सा पहले जब ये टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन बनी थी उन्होंने कुछ नंबर्स शाया किए थे, तो नंबर्स देख के मतलब पोजीशन ऐसी थी कि 100,000 से ऊपर जो लोग रिटर्न्स फाइल कर रहे थे वो चंद हजारों में थे, मतलब चंद लाखों में थे आउट ऑफ दिस। तो ये बेसिकली देखें ये जो हम अब एक कंसेंसस हमारा डेवलप हो रहा है कि ये जो एफबीआर को इस पर सीरियसली सोचना चाहिए, और अब वो ये नहीं कि कर नहीं सकते, मेरे ख्याल में विल का इशू है, वो करना नहीं चाह रहे सिर्फ ये लग रहा है मुझे। तो देखिए इसमें बीच में कुछ चीजें हुई थी जिसने इस सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर दिया। पहले आपके पास एक ज्यूरिसडिक्शनल बेसिस होती थी बरसों से पाकिस्तान में, 2000 में जब हम रिफॉर्म्स में गए, टॉप वन में गए, फिर टॉप टू में हम गए, टैक्स रिफॉर्म्स का जो प्रोग्राम आया उसमें हम चले गए फंक्शनल बेसिस के ऊपर। सही है, उससे आपको हाई एंड टैक्स पेयर्स में तो फायदा हुआ कि आपने सेग्रीगेट कर दिया कि भाई ये ऑडिट है ये है, लेकिन आपको ये अक्रॉस द बोर्ड जो है मेरे ख्याल में ये सही पॉलिसी नहीं थी। उससे ये हुआ कि ज्यूरिसडिक्शन आपने ख़त्म कर दिए एरिया वाइज, और आप फंक्शनल बेसिस पे आपने काम डिवाइड कर लिए, और आपने इंडस्ट्री वाइज भी और बिजनेस वाइज भी चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया। तो आपके ख्याल में ये चीज ये एक इम्पेंडिमेंट था। पिछले साल इसको हम दोबारा लाए हैं, ये भी आई थिंक बड़ी डिमांड थी लोगों की कि इसको दोबारा रिवाइव किया जाए अगर आपने ब्रॉड करना है तो। सही है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो ज्यूरिसडिक्शन में पहले जो छोटा अफसर था, इंस्पेक्टर था या यूडीसी था, वो उसके जो फराइज थे उसमें ये फराइज बताते थे कि वो मार्केट अपने एरिया की देखा करता था। आई थिंक वो प्रैक्टिस चूंकि बीच में गैप आ गया, अब लोग चेंज हो गए, कुछ लोग रिटायर हो गए, नए लोगों को उसका आइडिया नहीं है। देखें ऐसा साहब, ये आपकी बात तो हम भी बात करते हैं बड़ी अच्छी लगती है और बिल्कुल सही लगती है बाज़वक़्त, क्योंकि हम जब पीछे देखते हैं तो इसी तरह की प्रैक्टिस थी। लेकिन देखें दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, अब अगर आप ज्यूरिसडिक्शन के इशू पे अगर एफबीआर सिर्फ ये एक्सक्यूज लेगा कि बेसिकली तो अब आपको कोई मसले होने नहीं चाहिए, बिकॉज आपके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा एक टूल है जिसको यूज करने की बात है, सिर्फ यूज नहीं किया जा रहा। देख परसेप्शन भी इसके अंदर जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और जैसा कि आपने शुरू में जो कहा कि एक एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के साथ क्या क्या हो रहा है और वो क्या क्या सुबह शाम फेस कर रहा है। मेरे पास कई मिडिल साइज बिजनेसमैन जो कि वन मैन शो होते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास जब इतनी चीजें आती हैं तो हम अपना कारोबार करें और इस पर फोकस करें, बिकॉज हर आदमी के पास इतनी मशीनरी इतने लोग नहीं होते कि इन बड़ी कंपनियों की तरह के भाई वो इसको डील कर सके। तो छोटा बिजनेसमैन जो है इन चीजों से परेशान है। तो अब जो आदमी बाहर बैठा है नेट के वो जब इनको देख रहा है तो वो कहता है कि मैं यही ठीक हूँ। बिल्कुल सही, ऐसा ब्रेक लेना है। नाज़रीन वापस आते हैं ब्रेक से और ब्रेक वापस आके बात करते हैं कि जो बिजनेसमैन है वो परेशान है एफबीआर की कंप्लाइंसेस से, तो फिर पूछते हैं अपने मेहमान से कि क्या एफबीआर को करना चाहिए ताकि एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है वो कुछ सेटिस्फाई हो सके एफबीआर की कंप्लाइंसेस से। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। मुझे एंड ऑफ द ईयर टैक्स देना है, अब अपनी ईज के लिए अपने रेवेन्यूज के लिए इन्होंने एडवांस टैक्स, अब एडवांस टैक्स ऐसा कंबस्मा हो गया है कि अब लोगों के लिए बर्डन बनता गया उनके कैश फ्लो, तो आप कैसे इसको समझते हैं, इसको क्या करना चाहिए एफबीआर? देखिए इस वक्त एफबीआर का फोकस जो है ना वो अब ना सिर्फ एनुअल टैक्स कलेक्शन पर है, बल्कि चूंकि टारगेट्स इतने वसी हो गए कि अब वो मंथली कंप्लायंस और मंथली कलेक्शन जो है मॉनिटर हो रही है।
इसके साथ साथ वो लॉ को भी तजवीज़ देते रहते हैं तब्दील करने की अकॉर्डिंगली. तो आप देखें कि फॉर एग्जांपल बैंकों की एडवांस टैक्स अब मंथली हो गई है. सही है. इस तरह तो एक वो भी मॉनिटर कर रहे हैं हर महीने किस तरह है. तो ये टैक्सपेयर के लिए बड़ा प्रॉब्लम है बार बार इसको कंप्लाई करना. और फिर इससे बड़ा एडवांस टैक्स आपका जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स है, जो सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, बड़े सेक्टर के लिए एडवांस टैक्स है. नहीं, लेकिन विदहोल्डिंग के अलावा जो ये आपको हर क्वार्टर पे पैसे देने होते हैं और क्या आगे एडजस्ट कर लिएगा और वो टैक्स पे के रिफंड में मल्टीप्लाई होते रहते हैं और रिफंड की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही यहाँ पे इस वक्त जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं इस वक्त. देखिए अनवर साहब, मेरे ख्याल में 147 का एडवांस टैक्स प्रॉब्लम नहीं है. सही है, क्योंकि वहाँ इस वक्त भी एस्टिमेट की गुंजाइश है. ठीक है. प्रॉब्लम जो है वो विदहोल्डिंग की मद में जो एडवांस टैक्स मेरा कटता जा रहा है जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं है. जैसे आप सबसे बड़ा इस वक्त जो बिजनेसमैन के लिए इम्पेडिमेंट है वो है आपका इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स, वन ऑफ द पे, जिसमें 5.5% टैक्स आपको लग जाता है इवन मैन्युफैक्चरर पे. और उस पर एग्जेम्पशन की सूरतें कंडीशंस आपको पता है बहुत सख्त है उसके अंदर. कि आप पिछले साल की प्रोडक्शन से 110% आगे नहीं जा सकते, कम से कम आपका पिछले 2 साल के बराबर का टैक्स पे होना चाहिए. अगर कोई इंडस्ट्री एक्सपेंशन में जा रही है और वो एक्सपेक्ट कर रही है टैक्स लॉस इस वक्त, इसके बावजूद उसको पिछले 2 साल का टैक्स मीट करना है, तो रिजल्ट तो आपको पता है क्या होगा, वो रिफंड ही आएगा. बिल्कुल सही है. और फिर रिफंड प्रोसेस का जो हाल है वो हमें पता है. तो अब मतलब ये जो अल्टीमेटली जो टैक्स पे बर्डन, दोनों तरह कंप्लायंसेस का भी बर्डन बढ़ गया है, पैसे भी लिए जा रहे हैं तो उस पर कैश फ्लो का बर्डन भी आ गया है. तो जो नेट में है उसको तो बिल्कुल आपने चोक कर दिया है. यही वजह है ना कि लोगों का वर्किंग कैपिटल जो है वो टैक्सेस में जाके फंस गया है. फंस गया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल फंस गया है, बिल्कुल सही. अब आप बड़ा, जब 2001 का ऑर्डिनेंस आया था बड़ा शोर शरा था यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम का बड़ा, और लोगों ने बड़ा उसको एडमायर किया था और कहते हैं कि यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट बैक बाय द स्ट्रिक्ट ऑडिट. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है ये बिल्कुल 79 का साल में एक रेप्लिका बन गया और उसी तरह हर साल ऑडिट. तो आप क्या समझते हैं, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम को खत्म कर देना चाहिए या क्या, इसको किस तरह इसको डील आउट करना चाहिए? देखिए, सेल्फ असेसमेंट स्कीम उसी वक्त चलती है जब आपका स्ट्रॉन्ग, इट हैज टू बी बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग एंड मेथोडिकल ऑडिट. सही. इस वक्त जो ऑडिट हमारे यहाँ हो रहे हैं, आई थिंक उसमें और 62 के असेसमेंट जो पहले होते थे उसमें कोई फर्क नहीं है. कोई फर्क नहीं, बिल्कुल वही है. तो जो थीम और जो थिंकिंग 2001 ऑर्डिनेंस के पीछे थी वो थी एक मेथोडिकल ऑडिट की, कि आप एनालिटिकल ऑडिट करेंगे पहले और फिर उसकी बेसिस पे आप कोई पैरामीटर बनाएंगे और पैरामीटर की बेसिस पे आप केसेस को सिलेक्ट करेंगे. आज मेरे ख्याल में 2001 ऑर्डिनेंस को आने, इम्प्लीमेंट होने के बाद कोई 14 साल हो गए हमें, लेकिन 14 साल में आज तक हम पैरामीटर सेट नहीं कर सके. और हम आज भी लोग जाके कोर्ट में चैलेंज करते हैं, कोर्ट कहता है नहीं पैरामीट्रिक करें. हालांकि लॉ में रैंडम सिलेक्शन है, लेकिन कोर्ट भी ये कह रही है कि नहीं, ये सही तरीका नहीं है, आपको कोई मेथोडिकल वे करना चाहिए. अपनी वो करती है ना कि वो पैरामीट्रिक क्यों कहती है, वो रैंडम कह देती है. लेकिन वो जब आपका, आपके जब नियत सही नहीं होगी तो इस तरह के मसाइल तो खड़े होंगे ना. मतलब आप ऑडिट जो है ना वो वैसे भी थियोरेटिकली इट्स अ डिटरेंस, इट्स नॉट अ वे टू कलेक्ट टैक्स. तो हम जो 185A की भरमार देख रहे हैं इस वक्त, और फिर मखसूस यूनिट्स के अंदर जैसे LTU में मेरे ख्याल में इस वक्त 80-90% केसेस में या तो ऑडिट हो जाता है या अमेंडमेंट हो जाती है. दे आर ऑल गोइंग अंडर ऑडिट एवरी ईयर. मेरे हिसाब से ऑडिट का एक पर्पज तो है कि आप ऑडिट उनके रिकॉर्ड देखें, लेकिन जो दूसरा पर्पज है जिसको ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे, टैक्स पेयर से टैक्स पेयर जनरेट करना, कि जो जो सप्लाई चेन है, जो लोग हैं जो उसमें नहीं है टैक्स पेयर के बेस में, उनको लेके आना अगर आप ऑडिट कर रहे हैं. लेकिन वो उस टाइप का कोई काम मतलब नजर होता आता नजर नहीं आ रहा कोई भी. देखिए, इस पे मेरे ख्याल में कुछ सालों पहले मुझे LTU में एक एक्सरसाइज हुई थी और उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ LTU के टैक्स पेयर्स की विदहोल्डिंग स्टेटमेंट उठाई और उससे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था. और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई 2-2.25 लाख टैक्स पेयर उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, जो जिनके आईडी कार्ड नंबर्स थे, टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं थे, बट दे वर सप्लायर्स एंड दे वर डूइंग बिजनेस. तो वो 2-2.5 लाख का क्या हुआ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको. तो ऐसे तो कई लाखों आदमी होंगे जो मुख्तलिफ LTUs में अगर आप जाएंगे या RTUs का डेटा कलेक्ट करेंगे. देखिए, ये जमाना है डेटा एनालिटिक्स का, आपको पता है, कंपैरेटिव बनाया, बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स का जमाना है. अपना डेटा जो FBR के पास है अगर उसी को हम प्रॉपरली एनालाइज कर लें और वहीं से आइडेंटिफाई कर लें, तो आप खुद ब खुद टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें, हम एक जमाए उन्होंने 30 लाख लोगों को नोटिस इशू कर दिए तो उसका क्या हुआ, अभी थोड़ी में खबर आई थी 20 लाख नॉन फाइलर को नोटिस इशू किए जा रहे हैं तो उसका क्या हुआ, अभी दुबई में उन्होंने कहा कि जी दुबई से रिपोर्ट ली जा रही है कि प्रॉपर्टीज के, तो क्या हुआ कि, तो यही चीज़ है कि कोई चीज़ नज़र नहीं आती. सर्वे हुआ 2000 में
और सर्वे में कहा गया कि बस अब उसके बाद जो है पाकिस्तान का पूरा टैक्स निजाम जो है वो सही हो जाएगा, और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा देखे इसमें एफबीआर की कैपेसिटी का भी इशू है। आई एम नॉट सेइंग कैपेसिटी का मतलब ये नहीं कि वहाँ लोग कम है, लोग तो हैं लेकिन ट्रेन लोगों की कमी है। ऑफिसर्स जो ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं जिनको पिछले माइंडसेट के ऑफिसर हैं, देखिए दो चीजें हैं, आपने उनको करंट असेसमेंट का की एक जिम्मेदारी दी हुई है और आप उनको हर महीने उसमें मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतना टाइम भी निकालेंगे कि वो इन चीजों में भी जाएं। इसके लिए आपको एक प्रॉपर एक टीम बनानी पड़ेगी जिसकी सिर्फ जॉब ही हो। सही है। अगर आपको याद हो 3 साल पहले टैक्स बार ने ये प्रपोज किया था कि आपके ऑफिसर्स के टारगेट्स और जो आपके गोल्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आप उनकी असेसमेंट करते हैं उसमें आप टैक्स पेयर बढ़ाना भी डाल दें। सही है। इसके अंदर कि आपको मिनिमम इतने टैक्स पेयर ऐड, वो भी अगर कर लेते तो आज मेरे ख्याल में सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती है। ऐसा हम एक ब्रेक लेना, वापस आते हैं ब्रेक नाज़िम, वापस आते हैं ब्रेक के बाद और बात करते हैं कुछ और अहम नकात पे। ब्रेक से वापस आते हैं। डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है उसके उसमें जो है प्रॉफिट का फॉर्मूला है, तो इसलिए हमने इसको एडजस्टेबल किया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कितनी वो बात तो इनकी ठीक है, बिकॉज ट्रीटी अगर आप साइन करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर ट्रीटी कंट्री से आ रहा है तो उस ट्रीटी के तहत आपको उसके प्रॉफिट्स ही टैक्स करने हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन ओवर एंड अबाउ नहीं करने, तो उसको लेते हुए उन्होंने ऑप्शन दिया है, लेकिन आपको कोई नहीं रोक रहा है कि आप लोकल कॉन्ट्रैक्टर को भी वो ऑप्शन दे दें लॉ में अपने, और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ताकि लोकल भी हमारी एक्सपर्टीज, ये एक ऑप्शन हो सकता है, या मिनिमम टैक्स कर दें उसको। बिल्कुल ये भी हो सकता है, ये मतलब ताकि वो प्रॉफिट पे अपना जो भी उनको एटलीस्ट ये टैक्स उनको देना है तो वो उससे उनको प्रॉफिट ऑन लॉ मिनिमम टैक्स से फिर शायद लोगों को इतना फायदा नहीं होगा, लेकिन उनकी जो आमदनी होगी उसके मतलब उससे ज्यादा टैक्स नहीं, लेकिन प्रॉफिट पे अगर ज्यादा होगा तो होता ही है कि उनको दे देंगे टैक्स। ठीक है, उस तरह दोनों मतलब आप एफबीआर देख ले क्या चीज उसके लिए वायबल है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो है, और इसमें मेरे ख्याल में एफबीआर का कोई नुकसान भी नहीं होगा, कोई नुकसान, तो मेरे ख्याल में ये चीज एक ऐसी है। आप एडीआरसी की नई जो कमेटी बनी है उसके मेंबर भी अपॉइंट हुए हैं, और ये एडीआरसी कमेटी जो है काफ़ी सालों बाद एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है, पहले भी हुई थी लेकिन शायद वो एक वजह से उसके डिलीवरेबल्स नहीं आ सके थे कि वो रिकमेंडेशन जो थी वो अल्टीमेटली एफबीआर के पास जाके रुक जाती थी। कानून में आज भी ये कंडीशन अपनी जगह है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अब नया कोशिश की जा रही है इससे कोई रिजल्ट ओरिएंटेड होगा ये? नहीं, जो बात आपने कही कि फैसला अल्टीमेट फैसला आज भी एफबीआर के हाथ में है, तो इसके होते हुए मेरे ख्याल में अभी भी लोग माइल नहीं होंगे एडीआरसी में, लेकिन सवाए इसके कि अपने पैनल बना लिया अच्छी बात है, लेकिन पैनल जब ही फाल होगा जब उसके पास केसेस पुट अप होंगे एफबीआर के पास कि आप एडीआरसी तश्कील दें, तो जब तक ये शर्त रहेगी मेरे ख्याल में एडीआरसी इतना फाल नहीं रहेगा। हालांकि ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं इस वक्त डॉक्टर इरशाद, इनका आज से नहीं, जब वो चीफ कमिश्नर भी थे विजन था, और मुझसे भी पर्सनली भी उन्होंने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि ही वांट्स कि डिस्प्यूट्स जो हैं वो सामने सामने बैठ के रिजॉल्व हों, और मेरे ख्याल में ये भी उनकी पर्सनल एफर्ट से ये सारा कुछ हुआ है और इन्होंने ये बनाया है पैनल पूरा, लेकिन मेरे ख्याल में अब एक स्टेप रह गया है इसका कि लॉ में थोड़ा सा टैक्स रिफॉर्म कमीशन या की अभी रिकमेंडेशन ये था कि एडीआर को एक्टिवेट किया जाए, मेरे ख्याल में तो उन्होंने दोनों ने मिलकर एक शायद उसकी वजह से ये, लेकिन आई थिंक लॉ ठीक कर ले, इसमें मेरे ख्याल में एफबीआर का कोई नुकसान नहीं है। देखें, हर पैनल पे एफबीआर की नुमाइंदगी है, ये बाय लॉ है कि एफबीआर का कमिश्नर भी उस पैनल पे होगा या कोई भी ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय एफबीआर, तो मेरे ख्याल में एफबीआर के इंटरेस्ट को उस कमेटी के सामने वो अफसर टेक केयर करेगा, तो एफ बी